नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू पैसा पे, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। वी आर डूइंग एन इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज फॉर दोज हु आर न्यू टू स्टॉक मार्केट एंड डोंट नो अबाउट द ट्रेडिंग। सो आई रिसीव मेनी रिक्वेस्ट दैट आई शुड बी क्रिएटिंग द वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, सो आई वुड बी यूजिंग द ड्यूअल लैंग्वेजेस फ्रॉम द ऑल ऑफ द वीडियोज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, तो जुड़े रहिए ये सीरीज से। अगर आपने ये पार्ट 1, 2, 3 नहीं दिखा है तो यूट्यूब में ये चैनल में पैसा तो बनेगा कि चैनल में जाके देख लीजिए। इफ़ यू हैवन सीन दी प्रीवियस पार्ट 1, 2, 3 देन प्लीज़ गो बैक टू द चैनल पैसा तो बनेगा एंड जस्ट वॉच देम। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू वेरी क्विकली। दिस वीडियो वॉन्ट बी मच लॉन्ग, आई विल फोकस ऑन अ फ्यू प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, सो लेट्स टेक एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि व्हेन शुड वी टेक एन एंट्री इनटू द स्टॉक फॉर इंट्राडे। ओके, हमें इंट्राडे में स्टॉक में एंट्री कब लेनी है? तो उसका आंसर ये है कि योर स्ट्रेटेजी विल टेल यू व्हेन टू, तो स्ट्रेटेजी विल टेल यू टू टेक एन एंट्री। डू नॉट डिसाइड बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपको खुद को डिसाइड नहीं करना है, आपकी स्ट्रेटेजी बताएगी। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू डिसाइड, योर स्ट्रेटेजी विल टेल यू व्हेन टू टेक एन एंट्री और नॉट। ओके, सो दैट्स अ गोल्डन रूल विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इंट्राडे टेप, इंट्राडे ट्रेडिंग। सो वन ऑफ द सिंपल मेथड एंड वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज दैट आई यूज इट, ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लोज एंड हाइस। ट्रेड कर सकते हो, अभी पूरी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो सिर्फ लोज एंड हाई पे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, पर अभी लोगों को ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद आती है, सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती, और मैंने इससे बहुत प्रॉफिट कमाया। सो वी आर गोइंग टू यूज अ सिंपल मेथड, आई शो यू वेरी क्विकली। इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लोज एंड हाई मेड बाय द स्टॉक। ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द एंटायर स्ट्रेटेजी बिकॉज आई विल बी क्रिएटिंग अनदर सीरीज विच सेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो आई विल keep on uploading the video for the trading strategies once we go through with the intraday trading. तो मैं ये strategy detail में discuss नहीं करूँगा क्योंकि पूरी एक series है intraday की, जो strategies की वो मैं करूँगा। तो ये जो एक घंटे की strategy है मैं सिर्फ आपको 10 मिनट में बताने वाला हूँ, पर कोई problem नहीं है, समझ में फिर भी आ जाएगा। ठीक है, so एक example ले लेते हैं। For example Reliance Industry today's date is, फॉर एग्जाम्पल मई 2, 2018 एंड प्रीवियस डेट इज मई 1, 2018। ओके, तो सो प्रीवियस डेट इज मई 1 एंड टूडेज डेट इज मई 2, दैट इज माई करंट इंट्राडे डेट। ओके, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं 2 को मैं क्या करूँ, राइट? मुझे पोजीशन लेनी है तो मैं कैसे लूँ? ठीक है, तो मैं ये पहले तो ये मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा। फिर हमने जो वीडियो सीरीज 2 है उसमें अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट देख लिया, वो इम्प्लाई करूँगा। अगर नहीं देखा तो स्किप मत कीजिए, वो जाके देख के आए, वो लर्न करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और मैं कंटिन्यूसली बोलता रहूँगा। So if you haven't watched the video number 2 of the intraday series where I have taught about the risk management and money management, please go read it, because every time if you are going to implement any method, you have to use the risk and money management because that plays 70% of your success ratio. Okay. So what I'll check is that on May 2, 2018, if Reliance breaks the low of the May 1, 2008, then I will short sell Reliance on May 2. So if Reliance
ब्रेक्स द हाई ऑफ May 1, 2018, देन आई विल बाय रिलायंस। ओके, अगर मैं दो को रिलायंस ने क्या किया कि मैं वन का जो लो मारा था वो तोड़ दिया उसने, तो मैं रिलायंस सेल कर दूंगा, और मैं दो को उसने हाई अगर क्रॉस कर लिया तो मैं बाय कर लूंगा। ये स्ट्रेटेजी जहां पे मैं सिर्फ लो और हाई पे ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। नाउ व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द पीपल मैसेज मी दैट दे आर मेकिंग अ लॉस, बट देयर इज अ बिग रीजन, यू हैव टू आंसर सो मेनी क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर वन, in which stock you are trying to find a trade, what is the momentum of the stock in of the stock in question, what is the momentum of the stock market, and number four, what levels you are observing for high and lows. So 1, 2, 3, and 4, four questions. In which stock you are trying to find a trade? सबसे पहले तो आपका ये question ये होना चाहिए, मुझे top liquid stack में ही strategy implement करनी intraday की, ये सबसे बोला रहे हो। I have to implement the intraday strategies in the liquid stock. That is my first rule. Rule number second, what is the momentum of the stock? स्टॉक का मोमेंटम क्या है? नाउ ज्यादातर लोग ये चेक ही नहीं करते, ये चेक ही नहीं करते कि भाई ये शॉर्ट टर्म या तो वीकली बेसिस मोमेंटम क्या है। स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने लगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट फोकस ऑन द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। इफ यू आर गोइंग टू डू इंट्राडे यू हैव टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऑफ द स्टॉक ऑफ योर स्टॉक, ओके, वीकली इवन मंथली, टू नो व्हाट इज द मेजर एंड माइनर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, राइट। देन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट का मोमेंटम कैसा है? ये स्टॉक मार्केट का मोमेंटम जरूरत क्या है जानने की? व्हाई वी नीड टू सी द स्टॉक मार्केट मूवमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डू इंट्राडे इन अ पर्टिकुलर स्टॉक? व्हाई इट्स नेसेसरी? इट इज नेसेसरी 5%, इट इज नेसेसरी बिकॉज यू विल बी गोइंग टू ट्रेड इन द टॉप स्टॉक विच आर लिक्विडेटेड, सो दे हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मार्केट, विद द वॉल्यूम एंड विद द लिक्विडिटी। So if there is a opposite, if there is a opposite relation, then you have to be careful that the market is going up and particular stock is going down. So you have to either stay away from that stock or you have to be really careful about it, right? तो अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हो जब मार्केट अप जा रहा है और स्टॉक नीचे जा रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि अभी क्या हो रहा है, उसका रीजन फाइंड करके आपको ट्रेड में जाना है, राइट। नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, ये कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। व्हाट लेवल्स यू आर ऑब्जर्विंग, नाउ दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, व्हाट लेवल्स यू आर ऑब्जर्विंग फॉर द हाई एंड लो, ओके। व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस स्टॉक, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से रिलायंस मेड लो ऑफ 950 ऑन मे 1 एंड इट मेड हाई ऑफ 980, ओके। So I'm observing that low was 950, high was 980. So on May 2, I will trade on above levels, on the basis of above levels. इतना मैंने observe कर लिया। Now what will happen, friends? There will be chances that you will still make a loss after, even after checking this thing and even after checking these things. You know about why? आपको पता है कि क्यों ऐसा होगा? Because you did not check the lows and high made by Reliance during past week, past month and past 3 months. And even 12 months, ये आप miss out कर गए, ये आप completely miss out कर गए। अच्छा, मैं intraday trading करता हूँ, तो मुझे इतना सब कुछ जानने की क्या ज़रूरत है? If I am going to do intraday, why I need to focus on the high and lows made by the Reliance in past week, past month, 3 months and 12 months? Isn't it sound crazy? No, I'll tell you why.
Here is the example. Why I'm thinking like that. Let's say on May 1, this is our date, right? May 1. On May 1, it made the low of 950 and it made a high of 980. And I want to trade on May 2nd. Okay, this is my data. What if, now my question is over here. What if the low of 950 is actually the 52 week low of the Reliance? ये हो सकता है, ये possibility हो सकती है कि जो कल उसने low मारा वो actually 52 week का low था. Is that a possibility that the low that we are seeing on the May 1 is also the low, because this is the first time the stock went low that far? So at this level, there will be the chances about the major behavior of the stock market, that how it will be going to trade it, because this will be the major support. It is possible that the huge buying may come and stock will to start to reverse the trend, right? And what if another question, what if the low of 950 is a weekly low? Then also I have to be careful, right? Then also I have to be careful. The same rational goes with high, right? So people do not check this kind of things. You have to create an Excel sheet. You have to list down 10 to 15 pointers before you enter any stock, and you have to answer yourself that why you are taking the trade. And if you are taking the trade, you have to be careful about the sensitive pointers. आपको एक एक्सेल शीट मेंशन करनी है, एक मेंटेन करनी है आपको, उसमें ये सब पॉइंटर्स डालने हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कि मैं अगर हाई और लो वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं तो उसमें मेरे को ये 10 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. अच्छा, इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप. सी, दिस इज हाउ आई ऑब्जर्व. योर ईच कैलकुलेटिव स्टेप विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ लॉस बाय 5%. ओके, you have to justify a decision. You cannot just speculate everything, right? कि एक method हाथ में आ गई, उसको follow कर लो. Now let's take a very practical example of the trades from the charting.com. I'll show you, okay? Let's see what is happening. मैंने ये already ये chart open करके रखा है, थोड़ा zoom करके रखा है, क्योंकि जब मैं chart load करता हूँ तो कई बार internet down हो जाता है, तो मैं time waste नहीं करना चाहता. ये मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ कि ये रिलायंस का स्टॉक का चार्ट है और ये 5 मिनट का है और 1 डे का है, ठीक है, ताकि मुझे वीकली बेसिस पे पता चले. सो द रेंज ऑफ दिस चार्ट इज 1 डे एंड 5 मिनट. ओके, नाउ लेट्स ऑब्जर्व. ओके, नाउ गाइस, टेल मी इफ यू आर सीइंग द चार्ट फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, एंड इफ यू आर द बिगिनर इन द स्टॉक मार्केट, एंड इफ यू आर बिगिनिंग इन द इंट्राडे, व्हाट डज दिस चार्ट टेल यू? इट टेल्स यू दैट इट इज इन uptrend, don't you think? In last 1 week, this stock is in uptrend. It is making higher highs and higher lows, right? So don't short sell the stocks which are in the immediate uptrend. हमें short sell में नहीं घुसना है ऐसे stock में जो उसका immediate trend, immediate मतलब मैं सिर्फ एक 1 week की बात कर रहा हूँ, last 5 दिन की बात कर रहा हूँ, वो uptrend में, तो मैं क्यों खामखा उसको sell में करूँगा? अगर see, for example, if you are getting an opportunity to make a 50,000 in intraday in this type of stocks by short selling it, even say big no, because that is your trading discipline. You have to say no 10 times, then you will be making a profit, because in market will attract you with so many opportunities, right? Market to aapko har roz opportunity deke aayega, aur jo banda na bolega na wo tik jayega. Friends aayenge, broker aayenge, to ye mujhe dekhna hai. To ye sab log cheez nahi dekhte hain, kare yaar main short sell kyun karu, है ना? तो सब चीजों के आंसर आपको चार्ट देगा, आपको भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग चार्ट विल टेल यू, राइट? नाउ लेट्स लुक एट अनदर थिंग गाइस, आई विल शो यू. सो दिस इज अ 6 जून, राइट? बिकॉज़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन 6 जून, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपन. नाउ लुक एट, दिस इज अ 5th जून ओवर हियर, बिहेवियर इज 5th जून. सो व्हाट वाज द लो मेड बाय द 5th जून? लेट्स से फ्रॉम हियर इट मेड द लो ऑफ 941. ओके, look at the behavior, just look at the behavior that it made a low of 942. Look at this over here. Amazing, beautiful thing on the chart, right?
बहुत ही एक बहुत अच्छी चीज बताई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इट सेज दैट बायर्स आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन दैट सपोर्ट अगेन द बाइंग इज गेम। सो दैट्स अ गुड न्यूज, द स्टॉक इज कीप्स ऑन मूविंग ऑन द अप ट्रेंड, राइट। सो वाई द हेल आई वुड शॉर्ट सेल द स्टॉक्स, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे लिए इंट्राडे में अगर मैं हाई लो फॉलो करता हूं और मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि अगर उसने लो नहीं तोड़ पाया वो स्टॉक, तो मैं बाई में ज्यादा देखूंगा ना, तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और देखो दूसरी चीज क्या हुई, एक और चीज देखते हैं अपने। यहाँ पे हाई कितना मारा था प्रीवियस दिन में, 955, और यहाँ पे कितना मारा, 956, ठीक है ना। तो कल देखना है कि स्टॉक का मूवमेंट क्या होता है। फिर यही सब चीजें यहाँ पे भी लागू पड़ती है, देखो आपको, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द अनदर। सी इफ आई एम गोइंग टू इफ इफ आई एम इफ आई एम गोइंग टू डू इंट्राडे, अगर मुझे इंट्राडे करना है तो दिस इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द वीक, जस्ट टू फाइंड आउट द इमीजिएट मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, राइट। नाउ लेट्स फाइंड आउट द मोर ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक, रिलायंस। ओके, सो दिस इज अनदर चार्ट ऑफ द रिलायंस। नाउ वॉट डिड आई जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व वॉट आई एम डूइंग। द पीरियड इज 1 ईयर, पीरियड एक साल का है, और रेंज वीकली, द रेंज इज वीकली। सो ईच कैंडल, ईच कैंडल, ईच कैंडल, each candle will give me the overall trend of the 1 week of the Reliance. Okay, again my same question, if you are observing the Reliance Industries and the time frame is weekly, then what is the trend? Don't you think that it's still in uptrend? Don't you think that? So this means not only the immediate week is in uptrend, the overall trend, overall trend. So look at this date, what is the month over here, it's 2017. It says this candle was made during 2017, right? In July 2017, June 2017. So within 1 year, it says it's in uptrend. It's in uptrend. So because week by week it goes up. So don't focus on this red candle. Okay, selling will come by, right? Not कोई भी stock पूरे एक साल में सिर्फ ऊपर ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे भी आएगा ना weekly basis पे. But what is the average? What is the average? What is the conclusive trend of the Reliance? That is uptrend. So why would I would go against that trend? I would never ever go against the trend. If you are giving me the opportunity to make 5 lakhs rupees, I will say no to you because I don't want to speculate. That is a pure speculation. तो ये भी ढूंढना है। फिर देखो नीचे ये वॉल्यूम की कैंडल देखो, जहां जहां पे बाइंग आई वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। चलो अब ये चीज देख लेते हैं, ये वाली कैंडल देखते हैं। ये प्रीवियस वीक की कैंडल है और ये दोनों कैंडल ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, ठीक है, तोड़ने नहीं दिया है। तो देखो आप देखो, और ये कैंडल उससे ऊपर जा रही है, तो मुझे वीकली बेसिस पे कितना सारा पता चल रहा है। देखो अगर उसको स्ट्रॉन्ग और ये रिलायंस को और स्ट्रॉन्ग होना है ना, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो कैंडल थी, जो अप्रैल महीने की कैंडल थी, उसमें हाई मारा था रिलायंस ने 1011 का, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर 1011 के हाई को तोड़ा तो मैं ले ही लूंगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो सब पोजिशन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ये सब जानना भी जरूर है, ये सब चीजें। तो किसी ने आपको रोका नहीं है ये सब चीजें डिस्कस करने से, ठीक है। मैं और भी देख सकता हूँ इसमें, काफी सारी चीजें मैं इसमें ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता मैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से लेट्स ऑब्जर्व इन्फोसिस, राइट। लेट्स ऑब्जर्व इन्फोसिस। So this was the 6th June today. Now what happened on the 5th day? Okay. So it on the 5th, it made a low of 1218, right? Over here, what is the exit low? 1218 and 1223, right? Yeah. This one is undecided candle. The undecided candle. Now look at the chart pattern. It gave the strong support to the low, right? It went up, right? See, if I am trading on the basis of high and low, I can help out. Now over here, मैंने आपको एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि फर्स्ट थ्री कैंडल होती है ना 6 जून की, उसको ऑब्जर्व करो ना, वो फर्स्ट थ्री कैंडल को क्रॉस कर लेता है ना, वो स्टॉक ऊपर जाएगा। देखा जा रहा है ना ऊपर, देखा देखा यहां से देखो, ठीक है। और यहां पे देखो, सी 5th जून, लेट्स ऑब्जर्व 5th जून ओवर हियर, लेट्स ऑब्जर्व व्हाट वाज द लो ओवर हियर, एंड देन इट वेंट डाउन बिकॉज द लो वाज ब्रोकन, राइट। द लो वाज ब्रोकन, व्हाट वाज द लो ओवर हियर, ओवर हियर इट वाज ब्रोकन, व्हाट वाज द लो ओवर हियर, एंड देन इट सपोर्टेड, राइट।
So you have to see many of the price point of the Infosys. Now let me show you one more thing. Let's say if I am going to observe the 3 months trend of the Reliance industry. So what is the trend of the, sorry, not Reliance industry, Infosys. Okay. So look at this chart. What does it tell you? It started going uptrend from over here, right? From April. So from April it is in uptrend. So last 2 to 3 months its quarterly trend is uptrend. Now what is happening since 1 year? Let's check out the 1 year. Okay guys, it's very clear what is happening within the 1 year. You can see, I don't even have to answer you. Look at this, right? Okay, let's see one more thing. 10 days, 5 minutes. Too much variation. Don't worry. Ye stock hi itna thoda abhi is tarah se dikh raha hai. Too much ups and downs. Too much ups and downs, right? To main yahan pe aisa ek chart line laga lunga. Ek dusri chart line mujhe chahiye. Isko main yahan laga lunga. ठीक है, तो मैं ये अभी स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे ये ट्रेंड देखने के बाद इतना पता चला, क्योंकि वो एक रेंज बाउंड में घूम रहा है, राइट? देखो, तो उसको ये सब क्लियर आउट करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर इमीडिएट ट्रेंड एस्टेब्लिश करने के लिए. देख रहे हो आप, इसके बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो. साइडवे है, कोई बात नहीं, इंट्राडे लिया जा सकता है. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि चार्ट में हो क्या रहा है हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम चेंज करके. ठीक है दोस्तों, तो ये सब देखो. अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी, आई पुल्ड आउट अ चार्ट फॉर 5 मिनट्स. व्हाट हैपन, आई होप इट डज नॉट डिस्टर्ब द व्यू ऑफ द वीडियो. द 5 मिनट्स, 5 डे एंड 5 मिनट्स, लुक एट द बैंक चार्ट, वेरी वीक, एंड फ्रॉम द सपोर्ट लेवल इज ट्राइंग टू गेट अप, राइट? दिस मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनफ वॉल्यूम. Right now let's look at the chart of Bank Nifty for 3 months. क्या देख रहा है दोस्तों? What you are seeing on the chart? 3 months Bank Nifty up trend. Yes or no? Now these are the daily candles, huh? These are the daily candles. Now I want to see the weekly. Give me 1 year weekly pattern of the Bank Nifty. Okay, see, if you manipulate your chart time frame, you will see most beautiful things in the world, right? देखो वीकली पे क्या पता चल रहा है मुझे, कहां से उसने अपट्रेंड स्टार्ट किया है. अब देखो ये लास्ट कैंडल देखो, उसके पहले की कैंडल देखो, वो अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है. देखा, ये हर एक कैंडल में, हर एक वीकली बेसिस पे देखो, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है, कितना क्रूशियल ऑब्जर्वेशन है कि बैंक निफ्टी वीक ऑन वीक पे जो क्लोज हो रही है ना, तो उसको लो को प्रोटेक्ट कर रही है. देखो, ठीक है, तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे इसमें बाय ऑन डिप्स करने जैसा है बैंक निफ्टी. फिर ये रेड कैंडल आगे यहाँ पे सेलिंग हो चुका है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. पर फिर भी मैं देखूंगा कि ये विक का लो क्या वो तोड़ रहा है? नहीं, वो तो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मेरे लिए सही है अगर मैं इंट्राडे करूंगा तो. ठीक है, तो वीकली बेसिस पे फिर मैं ये वीक में क्या हुआ ना, फॉर एग्जांपल ये वीक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके ट्रेड करूंगा मैं. ठीक है, क्योंकि उसने तोड़ा नहीं है, इस तरह से नहीं जा रहा है ना, तो इस तरह से जा रहा है, ये लो को प्रोटेक्ट कर रहा है. देखो, तो ये अप ट्रेंड की निशानी होती है. अब देखते हैं इस वीक का कैंडल कैसे आता है, अभी पता चल जाएगा. अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल आएगा ना, तो उसका ट्रेंड क्या है, वो सही में मूड में है अब जाने में कि नहीं है, और उसका रेजिस्टेंस भी क्लियरली फिर से दिख रहा है, राइट मुझे? और यहाँ पे तो काफी सारे सपोर्ट दिख रहे हैं मुझे, राइट? तो ये सब एनालाइज करो दोस्तों. और हर एक चीज में आपको मैंने ये बताया ना, ये तो बहुत मैं छोटी सी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसी कितनी सारी स्ट्रेटेजी है, पर स्ट्रेटेजी का सही आपको बिठाना पड़ेगा कैलकुलेशन. देर आर मेनी स्ट्रेटेजीज इन द मार्केट माई फ्रेंड्स, बट यू हैव टू एनालाइज एवरी स्ट्रेटेजी, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू कैलकुलेट, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट, विच इज वेरी बोरिंग फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, दे डोंट लाइक दिस थिंग, एंड दे ओपन देयर पीसी एवरी डे एंड दे आस्क अदर पीपल, यूज फोरम्स, that hey, I bought Reliance's 9665, what should I do?
काफी लोग ऐसा करते हैं, रिलायंस परचेस कर लेते हैं 965 के पर, उनको कोई भी क्वेश्चन पूछा उनके पास आंसर नहीं होता। व्हेनेवर आई आस्क एनी क्वेश्चन दैट व्हाई यू एंटर इनटू दिस, व्हाट व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, व्हाट इज योर कैलकुलेशन, व्हाट आर द 10 पॉइंटर्स, दे डोंट हैव एनी आंसर्स। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग, बी पैशनेट अबाउट लर्निंग। स्टॉक मार्केट शुड बी योर हॉबी, इट्स फन, इट्स नॉट टेंशन, इट शुड नॉट बी डिप्रेसिव, and you should be good at learning. The more you are good at learning, the more profit you will make. You will enjoy this thing and you will learn from it. Loss will happen, loss hoga, it's a part of your trade, but step by step you have to learn how things work and respect the market. Never go against the market, that's the thing. Put your ego outside, drop your ego. Okay, so okay दोस्तों, मैंने आपको अभी ये तीन चार चीजें मैंने बहुत प्रैक्टिकल बता दी है। आप ये सब है ना डेली ऑब्जर्व करते रहो, पॉइंट लिखते रहो, खुद ऑब्जर्व करते रहो, खुद आंसर करते रहो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, 6 महीने लर्न करो सभी चीजों में, अपने आप को बेहतर बनाओ, बाद में ट्रेड करो, ठीक है ना। इसलिए मेरा हमेशा एडवाइस यही रहता है। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट नाउ एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो वेरी सून, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच दिस वीडियो रियली लॉन्ग बाय यू नो कंबाइनिंग द मल्टीपल स्ट्रेटेजीज और शोइंग यू मल्टीपल अदर थिंग्स, बिकॉज इट विल मे मेक यू कन्फ्यूज, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड ए बिगिनर राइट नाउ। सो वील मेक थिंग्स वेरी सिंपल एंड वी विल कीप ऑन कंटिन्यू डिस्कसिंग ऑन। ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों मैं क्विकली आपको बता दूँ, जो लोग नए हैं तो ये पैसा तो बने का इनिशिएटिव लिया गया है लोगों को एजुकेट करने के लिए, तो आप जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन हो सकते हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं इस ग्रुप में। मेरे अलावा भी काफी लोग हेल्प करते हैं, अच्छा उनका आंसर्स होते हैं, अच्छे व्यू पॉइंट होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।